नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि अल्टरेटेड कंटेंट क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। कई बार दोस्तों देखे होंगे, जब भी आप यूट्यूब पे नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से एक ऑप्शन अभी नया है जिसपे आपको अल्टरेटेड कंटेंट, जैसे कि आप अभी तक मिलता था आपको बच्चों के लिए या है या नहीं वो चूज करना होता था, तो लेकिन अभी के टाइम में आपको एक और ऑप्शन मिल गया जिसमें अल्टरेटेड कंटेंट का ऑप्शन है। इसमें यस या नो चूज करना है, तो किस तरह के वीडियो पे आपको यस करना है और कौन सी वीडियो पे आपको नो करना है ये जानना है, तो आपको जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसी जानकारी से जुड़ी वीडियो डालते रहते हैं जिससे आपका बहुत सारा हेल्प हो सकता है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि और आप समझ लीजिए इसमें कि तीन चार टॉपिक ऐसे हैं जिस बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि हम जानेंगे कि क्या आपको पुराने वीडियो पर भी ये अल्टरनेट कंटेंट ऑप्शन चूज करना है, या दूसरा ये कि क्या हमें जो है हर एक वीडियो पे करना है, तीसरा क्या हम ये अल्टरेटेड कंटेंट क्या है, और चौथा अगर हमने अल्टरेटेड कंटेंट का ऑप्शन नहीं चूज किया तो क्या होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहला कि आपको नया या पुराना किसी भी वीडियो के आपको अल्टरेटेड कंटेंट का ऑप्शन चूज ही करना होगा। उसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं अल्टरेटेड कंटेंट क्या है, तो आपको बता दो कि वीडियो पे आपने किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्थान का दिखाया है जिसमें वास्तव में वो स्थान या आदमी ऐसा है ही नहीं दुनिया में, तो उस तरह के आदमी या जगह को दिखाएंगे आप, तो उसको अल्टरेटेड कंटेंट के अंदर लिया जाएगा। तो आपको तीसरा ऑप्शन जो है कि आपको अगर हर एक वीडियो पे करना है, तो आज आपको बता दो कि दोस्तों किसी भी वीडियो जो भी आप वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर अपलोड किए हैं या पहले या अभी अपलोड कर रहे हैं, तो उस हर वीडियो पे आपको ये ऑप्शन डिस्क्लोज करना होगा। अगर तो आप बता देते हैं दोस्तों कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। अगर आपने दोस्तों एक दो वीडियो में ऐसा नहीं किया, यूट्यूब कुछ ऐसी स्ट्राइक देगा जिसको आप हटा नहीं सकते, जैसे कि आपका अभी तक क्या है कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, उसको आप इजीली हटा सकते हैं, लेकिन अब जो है इसके थ्रू स्ट्राइक आएगी वो आप हटा नहीं पाएंगे, वो आपके स्ट्राइक यूट्यूब चैनल पे रहेगा ही, भले आप वीडियो डिलीट कर दें। लेकिन अगर आप बार बार ये गलती करते हैं, आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप बार बार गलती करते हैं तो हो सकता है कि आपका चैनल भी यूट्यूब से हटाया जा सकता है या आपके चैनल पर कार्रवाई की जा सकती है। कहने का मतलब सीधा यह है कि अगर आप जो भी जगह या स्थान दिखा रहे हैं वो रियल वर्क है, यानी कि आपका खुद का वीडियो है, आप खुद ही शूट कर रहे हैं, तो उस पर आपको नो करना है। अगर आप किसी कंप्यूटर से एआई के थ्रू या मोबाइल से एआई के थ्रू बनवा रहे हैं, केवल आपका टॉपिक है और आपकी आवाज़ ही नहीं है या तो आपकी आवाज़ बदल रहे हैं, तो आप उस तरह के वीडियो पे आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरह के कंटेंट में आपको यस करना है और किस तरह के कंटेंट में आपको नो करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।